Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so you are doing well. So today is our third lecture and we are going to start our hypothesis after introduction and comparison of different types of languages. Okay, so the first hypothesis we are gonna discuss is critical period hypothesis. सो जी द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन इनमें होगा एज यूजुअल इंट्रोडक्शन क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस क्लेम ऑफ क्रिटिकल हाइपोथेसिस एंड लिटरेचर होगा इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करेंगे इसका इम्प्लीकेशन और कंक्लूजन देखेंगे ठीक है चलें जी लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन सो द इंट्रोडक्शन द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट ये क्या कहता है द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ जो जिंदगी के चंद पहले साल होते हैं इज अ क्रूशियल टाइम बहुत अहम वक्त होता है इन विच एन इंडिविजुअल कैन अक्वायर अ फर्स्ट लैंग्वेज इफ प्रेजेंटेड विद एडुकेट स्टिमुलाई वो कहता है कि जो जिंदगी के पहले चंद साल होते हैं ना उनमें अगर मुनासिब मुहरकात के साथ अगर हम लोग किसी एक इंडिविजुअल को लैंग्वेज सिखाएं तो वो एक अच्छी लैंग्वेज जो है वो एक्वायर कर सकता है सिखाए नहीं बल्कि वो अपने अब एक अच्छी लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है अपने एनवायरनमेंट से मतलब कि द क्रिटिकल हाइपोथेसिस इज़ द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज बायोलॉजिकली लिंक्ड टू एज यानी कि बायोलॉजिकली हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं एक्वायर करते हैं और वो किससे लिंक्ड होती है एज से होती है ठीक है और ये वाला जो हाइपोथेसिस है ना ये क्लेम करता है कि एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज को बचपन से ही बचपन से बलोगत तक यानी कि 2 साल से 12 साल तक 14 साल तक जो है ना वो अच्छे से एक्वायर कर सकता है ठीक है इनके ख्याल में कि देर इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू अडोलसेंस इन विच फुल नेटिव कॉम्पिटेंस इज़ पॉसिबल व्हेन लर्निंग अ लैंग्वेज वो कहता है कि भाई आप जब एक लैंग्वेज अक्वायर कर रहे होते हैं तो आपको फुली तौर पर सपोर्ट होती है आपके नेटिव्स की आपके इन्वायरमेंट की जैसे हम लोग अभी अगर पंजाबी या उर्दू स्पीकर हैं तो हमें जो है ना वो पूरा इन्वायरमेंट मिल रहा होगा कि हमने उर्दू या पंजाबी सीखनी है हम उसको फुली और हम लोग इतने अच्छे मतलब वो लैंग्वेज सीख जाएंगे कि मतलब पूरी प्रोफिशिएंसी हमें उसमें हो जाएगी हमें कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कोई कुछ नहीं लेकिन उन लेकिन जो वो कहते हैं कि जब इंसान 14 साल के बाद जब एक लैंग्वेज लर्न करने की या एक्वायर करने की कोशिश करता है तो वो कभी भी उसमें प्रोफिशिएंट नहीं हो सकता ठीक है द हाइपोथेसिस वाज ग्राउंडेड इन रिसर्च विच शोड दैट पीपल हु लॉस्ट देयर लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज़ फॉर एग्जांपल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट वर एबल टू रीगेन दैम टोटली बिफोर प्यूबर्टी but were unable to do so afterwards there is a considerable evidence to support the claim that language 2 learners who begin learning as adult are unable to achieve native speakers competence in either grammar or pronunciation dekha unhone kaha hai कि जो अगर एक्सीडेंटली अगर आप एक बच्चा जो है वो अपनी लैंग्वेज खो देता है जैसे इंसान कोमा में चले जाते हैं या फिर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है लिटरलाइजेशन एक जो है वो थ्योरी है वो हम अगले लेक्चर में जो है ना थोड़ी डिस्कस करेंगे वो कहते हैं कि अगर ये वाली प्रॉब्लम हो जाए तो एक जो बच्चा है ना वो दोबारा से एक लैंग्वेज को रीगेन कर सकता है रीफाइन कर सकता है लेकिन अगर जो लेकिन अगर एक अडल्ट है वो अगर अपनी लैंग्वेज वो खो देता है वो एक दोबारा से एक नई लैंग्वेज या सीखने की कोशिश कर एक्वायर करने की कोशिश करता है तो वो कभी भी जो नेटिव्स हैं उनकी तरह जो है ना वो प्रोफिशिएंट नहीं हो सकता ठीक है यानी उसकी कॉम्पिटेंस जो है ना वो उनके साथ कभी भी मैच नहीं करती जैसे अगर देखें हम लोग जितनी भी इंग्लिश बोल रहे हैं जितना भी हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहे हैं जर्मन सीख जाएं फ्रेंच सीख जाएं लेकिन जो वहाँ के लोग बोलते हैं वो ऐसे नहीं बोल सकते आपने कभी अंग्रेज़ों को देखा है उर्दू बोलते हुए वो बहुत अच्छी उर्दू सीख जाएंगे लेकिन फिर भी हमें पता चल जाएगा कि हम लोग उर्दू स्पीकर हैं तो हम कैसे बोलते हैं और वो लोग कैसे बोलते हैं ठीक है तो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस का यही है कि जो है ना उनके ख्याल में 2 से 14 साल का बच्चा जो है ना वो लैंग्वेज एक्वायर करने में बहुत फास्ट होता है और जो इसके बाद जब इंसान लैंग्वेज एक्वायर करने की कोशिश करता है तो वो कभी भी इतना प्रोफिशिएंट नहीं हो सकता ठीक है
आगे देखते हैं जी। तो आगे देखते हैं जी, लिटरेचर हमें थीसिस की जो मेन क्लेम था वो तो हमने पढ़ लिया, वो आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी हो गई होगी। आगे देखते हैं जी, ये जो है ना डिस्कवर किसने की। दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रेजेंटेड बाय पेनफील्ड एंड रॉबर्ट इन 1959 एंड डिफाइंड बाय लैंडबर्ग इन 1967। ठीक है, लैंडबर्ग कंटेंडेड दैट द एलईडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है नीडेड टू टेक प्लेस बिटवीन एज 2 एंड पुबर्टी। पुबर्टी वैसे मैं आपको बता दूँ ब्लोगत होती है, 12 साल तक के बाद जो है ना वो ब्लोगत का साल शुरू हो जाता है। अ पीरियड ही बिलीव टू क्रॉसपॉन्ड विद द लिटरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ द ब्रेन। द लिटरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज इट अ कॉम्प्लेक्स एंड ऑन गोइंग प्रोसीजर दैट रिफर्स टू द टेंडेंसी फॉर सम कॉग्निटिव प्रोसेस टू बी मोर डोमिनेंट इन वन हेमिस्फेयर दैन द अदर। वो कहता है जी इसका ये मतलब है, वो कहते हैं कि लिटरलाइजेशन जो है ना वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और ऑन गोइंग प्रोसीजर है। जैसे लिटरलाइजेशन का वैसे मतलब यही है कि आपके जो माइंड है ना उसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है और एक जो है ना वो राइट हेमिस्फेयर है। लेफ्ट हेमिस्फेयर में हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, अपनी जो जो स्पीच एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है ना वो फॉल करती हैं हमारे लेफ्ट साइड में, और इट्स ऑल्सो कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे सोशल इश्यूज़ होते हैं नॉर्मली वो हम राइट साइड से यूज़ करते हैं, राइट साइड हेमिस्फेयर ऑफ आवर ब्रेन वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी लेफ्ट साइड में फॉल करती है। ठीक है, इसमें बस यही बताया गया। और वो भी यही कहता है कि जो है ना लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है ना वो जो है एज 2 से एज 12 के दरमियान जो है ना वो टेक प्लेस होनी चाहिए। यानी उसके भी ख्याल में जो है ये बच्चा जो है ना 2 से 14 साल की उम्र में ही ज़्यादातर लैंग्वेज सीखता है, सॉरी एक्वायर करता है। सीखता है या एक्वायर करना एक ही चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लर्निंग एंड एक्विजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, सो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। होप सो इसकी थोड़ी आपको समझ आ गई है लिटरलाइजेशन की यहाँ पे, और उसके बाद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो 2 से 14 साल की एज में हम लोग उसमें वो फॉल करती है। ठीक है, आगे नॉम चॉम्स्की के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये क्या कह रहा है। सो द अनदर स्कॉलर लैंडबर्ग, अकॉर्डिंग टू लैंडबर्ग दिस आइडिया वॉज कंसर्न विद द इम्प्लीसिएट ऑटोमेटिक एक्विजिशन। हाँ जी, वो कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक एक्विजिशन है, ये भी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से वो अग्री करते थे। इनके भी ख्याल में ये कि जब हम लोग एक फॉरेन लैंग्वेज अगर सीखते हैं तो वो कभी भी जो एक बच्चा है वो जल्दी सीख जाएगा, लेकिन अगर वो 12 या 14 साल के बाद सीखेगा तो वो नहीं सीख सकता। लेकिन उसको ज़्यादा अगर वो एफर्ट करेगा, अगर बहुत एफर्ट करता है तो फिर भी वो उस लेवल तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी। ठीक है, और वो ये भी कहते हैं कि ये जो है लैंग्वेज इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ ब्रेन मैच्योराइजेशन, यानी कि जो जो आपका ब्रेन मैच्योर होता जाता है आपकी जो लिटरलाइजेशन है। अनदर वेल नाउन पर्सन हु सपोर्टेड दैट क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस वुड बी नॉम चॉम्स्की हु बिलीव दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विद एन इनहेरिटेड एबिलिटी टू लर्न एनी ह्यूमन लैंग्वेज। चलें जी, नॉम चॉम्स्की तो आप बहुत ही मतलब एक बड़ा नाम है, और उनकी बहुत ही एक ये सबसे बड़ी एक थ्योरी है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, जो कहते हैं कि बाय बर्थ जो है ना वो बच्चे के माइंड में ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग आते ही लैंग्वेज एक्वायर करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसको किसी भी लर्निंग एनवायरनमेंट की या फिर जो है ना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर लेकर आता है, उसके अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज एक्वायर करना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, और वो भी जो है ना यही उनके ख्याल में भी कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज लर्न करता है बायोलॉजिकली। ठीक है, आगे जी कंक्लूजन में देख लेते हैं हम लोग। द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स एंड लर्निंग प्रोग्राम्स बट इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। वो अब ये जो है ना डिफरेंट स्कॉलर्स ने इस पे क्रिटिसाइज भी किया है इस थ्योरी पे ना, वो कहते हैं कि इस स्कॉलर ने जो ना इस हाइपोथेसिस को ओवर जनरलाइज कर दिया है। वो कहते हैं कि ये जो है इतना ये कुछ चीज़ों पर तो ये फॉलो होता है कुछ लोगों पर, जैसे आप देखें कुछ लोग जो है ना वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि अगर आप 12 या 14 साल के बाद भी अगर लैंग्वेज सीखेंगे तो वो बहुत अच्छी सीख जाएंगे, हो सकता है कि वो प्रोफिशिएंट हो जाएं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हम लोग अगर लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करें, मल्टीलिंगुअल बनाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि वो लैंग्वेज ना सीख सकें।
क्योंकि हर बच्चे का एक मेंटल लेवल अलग होता है ना, कुछ बच्चे जहीन होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ वीक होते हैं, और कुछ लोग तो वो इसलिए कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ना क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, ये जो है ज़्यादा बेस्ट उनके लिए है जो लर्निंग प्रोग्राम्स और टीचिंग्स जो है ना उन शो करवाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को मल्टीलिंगुअल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए ये जो हाइपोथेसिस है वो बड़ा ही ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन जो है ना ये इतना इसको ओवर जनरलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली बच्चा सीखता है या लैंग्वेजेस एक्वायर करता है, ठीक है। होप सो आपको थोड़ा लिटरलाइजेशन का भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बीच में, लेकिन उसका अगला लेक्चर मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करके पोस्ट करने वाली हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी इस लेक्चर की, तो अगर आ गई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।